तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो फैन कोड ईसीएस टी10 कार्टमा लीग चल रही है, इसका भाई आज के दिन का पहला और दूसरा मैच और टूर्नामेंट का पांचवा और छठा मैच जो कि खेला जाएगा मैड्रिड सीसी वर्सेज मैड्रिड यूनाइटेड के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। कल भाई चार मैच खेले गए थे, चार मैच के चार मैच हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गए थे, रिजल्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। और भाई टी10 के मैच में जो हमारी विनिंग रहती है ना, वो आप सब लोगों को पता है कि सारे टेलीग्राम वालों से हम आपको ज्यादा विनिंग करवाते हैं, रिजल्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। जो भी भाई पहली बार देख रहा है उसको पता, उसको नहीं पता होगा, जो भाई पहले से मतलब हमारे चैनल को फॉलो कर रहा है उसको पता होगा कि क्या हमारी प्रिडिक्शन रहती है, कितने लो सेलेक्शन वाले प्लेयर हम चूज करते हैं और भाई वो हमारे लिए क्या परफॉर्मेंस देखे जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं भाई वीडियो कंप्लीट देख लेना। इस मैच में भी आपको चार से पांच ऐसे खिलाड़ी बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान से फॉलो कर लोगे ना, तो आज के इस मैच में ये जो 85 लाख रुपए की जीएल लगी हुई है ना, इसमें आप एक काफी बड़ी अमाउंट विन कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हो ना, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि स्पेशल अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनना ठीक है, क्योंकि चार स्पेशल जीएल की टीम जो मैं आज से 2-3 महीने पहले लगातार प्रोवाइड करवाता था, आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रखे हैं। अगर मैं कमेंट बॉक्स खोल के दिखाऊं ना यूट्यूब का, तो भाई आप देखोगे कि अगर 100 कमेंट आए तो 90 कमेंट भाई यहाँ पर यही आ रहे हैं कि भाई आप जीएल की टीम भी प्रोवाइड करवाया करो। और अब आईपीएल का टाइम आ रहा है, मैंने क्लियर बोला था कि आईपीएल के टाइम से हम जीएल प्रोवाइड करवाएंगे, तो अभी से मैं किसी मैच की जीएल टीम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी आईपीएल में तो आपको पता है भाई आपके भाई जीएल में कितना सक्सेसफुल आपको करवाते हैं। मैं कभी भी रैंक 1 का दावा नहीं करता, मैं कभी भी रैंक 2 का दावा नहीं करता, मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आप अगर 10 टीम लगाओगे ना, आप अगर 10 टीम लगाओगे तो मान लो आपके 420 रुपए बनेंगे 42 के हिसाब से। ठीक है, तो आप 420 रुपए लगाकर कम से कम 2000 रुपए के आसपास टोटल विनिंग कर लोगे। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 500 मतलब 1500 या फिर ऑलमोस्ट 1600 रुपए का प्रॉफिट आप यहां से इजिली बना के जाओगे, ये मेरे चैनल का वादा रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चार जीएल की टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। अब चले भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे यहाँ पर डेट टाइमिंग की, तो भाई आज ये मैच खेला जाएगा 2 बजे और 4 बजे दोनों मैच खेले जाएंगे सेम टीम के बीच, मैड्रिड यूनाइटेड वर्सेस मैड्रिड सीसी के बीच में। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई कार्टमा ओल का ग्राउंड रहने वाला है, जहां पर भाई अभी अभी ईसीएल की टी10 लीग खत्म हुई है, अब यहां पर ईसीएस की टी10 लीग स्टार्ट हो गई जो कि अभी यहां पर खेली जा रही है। ठीक है, टोटल अगर इस सीजन में यहां पर जो टी10 मैच खेले गए ना उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो 144 मैच खेले गए, जिसमें से 4 मैच कल के भी ऐड हो चुके हैं, जो कल के ईसीएल के सॉरी ईसीएस के टी10 मैच खेले गए वो भी यहां पर ऐड हो गए। ठीक है, ये बाकी 140 ईसीएल के मैच खेले गए थे। और यहां पर अगर बात करें तो भाई 71 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 72 मैच भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो क्या रहेगी कि एवरेज स्कोर आप यहां पर देखो 97-110 के बीच में रहेगा, थोड़ा सा आप यहां पर ऊपर नीचे मान सकते हो क्योंकि अभी सभी टीम्स के पहले दूसरे मैच है, तो थोड़ी सी एक बार सेटल हो जाएंगे, जैसे एक एक मैच सभी टीम के हो जाएंगे ना, उसके बाद भाई यहां पर काफी अच्छे स्कोरिंग आपको देखने को मिल सकती है। वेदर की अगर बात करें तो वेदर भाई यहां पर क्लाउडी रहेगा, बारिश के चांसेस रहेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, फिर भी अगर कोई अपडेट आती है बारिश वारिश को लेकर वेदर को लेकर तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, देखो दोस्तों लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और फाइनल टीम की अगर बात करें तो फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, और वहां पर देखो आपको क्या मिलेगा, ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर, एक बार मैं आपको दिखाता हूं ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर कैसे मिलता है क्या होता है। कल के मैच में शायद मैंने शेयर किया था एक दो मैच में, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यहीं से दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देखो, जैसे ये होता है ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर, यहाँ पर भाई जो बैटिंग ऑर्डर होता है वो भाई जो दोनों टीम्स हैं उनका लिखा जाता है, तो इससे हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। ये भाई आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आपका भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी कभी आप जाके देख सकते हो। अभी जो आसाम टी10 मैच खत्म हुआ है उसमें अगर विनिंग की बात करें तो ये भाई मेरी खुद की विनिंग है, अभी आप लोगों के स्क्रीन शॉट आने बाकी है, तो जल्दी से मैंने यहाँ पर टेलीग्राम आईडी अपनी दे रखी है, तो वहाँ पर आप स्क्रीन शॉट सेंड कर देना। और टीम की अगर बात करें तो भाई टीम भी मैंने यहां पर ये वाली भाई टीम थी, बिल्कुल सेम टीम के साथ हमने विनिंग की है, जो टीम आपको देता हूं ना वही टीम भाई मैं लेके जाता हूं। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो अगर भाई यहां पर विनिंग करनी है ना तो भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको मतलब थोड़ी बहुत मेहनत तो यार आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये टीम नहीं भाई, कहां पे यार, मैं भी ये टीम थी, अरे यार ये कहां पे गई। ठीक है,
ये टीम थी भाई हमारी, ठीक है। यहाँ से आप टीम देख सकते हो, ये टीम थी, यहाँ पर इस टीम के साथ हमने जैकपॉट विनिंग किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपको मैं बताऊँ, देखो जो ये विनिंग हुई है ना, ये मेरी सिर्फ कुछ परसेंट विनिंग है, ठीक है। बाकी अभी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे को ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो मैं तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया था। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के स्टैट्स की। इत्तेफाक अहमद की बात करें तो भाई 5 मैच खेले, 4 विकेट निकाले हैं। वही अगर बात करें मोहम्मद अशरफ की तो 5 मैच में 72 रन और 6 विकेट। कादिर नवाज की बात करें तो 7 मैच में 182 रन और 6 विकेट है। कामिल अहमद की बात करें तो 5 मैच में 311 रन, 2 विकेट ओडीआई के स्टैट्स है। उस्मान मोहम्मद की बात करें 3 मैच में 69 रन है। रबीउल खान की बात करें तो 7 मैच में 119 रन और 2 विकेट निकाले, ठीक है। अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर भी मैं मार्क करता चलता हूं। अब यहां से रबीउल खान तक मैं आपको बता देता हूं, यहां से भाई रबीउल खान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कामिल अहमद को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में आप रिस्क लेके चल सकते हो। बट देखो अभी ओडीआई के रिकॉर्ड्स है, टी20 के और ओडीआई में दिन रात का फर्क हो जाता है। हां टी20 के होते हैं ना तो भी भाई थोड़ा बहुत यहां पर मेल खाता, लेकिन भाई यहां पर बिल्कुल अलग है। कादिर नवाज आप हमारे लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, मोहम्मद अशरफ और यहां से इत्तेफाकी भाई आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर रहने वाले, इनको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें वकार हुसैन मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ऐसे आकिब हुसैन को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई करो। वकार जफर मिर्जा की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करो। इसके अलावा भाई और प्लेयर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा, ठीक है। नीचे अगर बात करें मैड्रिड सीसी की तो भाई इन्होंने कल 2 मैच खेले हैं, उन दोनों मैच के स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो 2 मैच में 24 रन और 2 विकेट निकाले यहाँ पर गैलीलियो फिनांशल ने, ठीक है। इसके अलावा मार्कस आर्वी की बात करें 2 मैच में 51 रन है। बात करें जॉन वुडवार्ड की तो 2 मैच में 43 रन है। साहिल जो राहिल शफीक है इनकी बात करें 2 मैच में 40 रन और 1 विकेट निकाल रखा है। वहीं अगर बबात करें यहाँ पर इमरान सिद्दीकी की 2 मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाले। हैरी यंग की बात करें तो 2 मैच में 1 रन बना। डैनियल वाकर 2 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा आई नहीं, आई उसमें कुछ कर नहीं पाए ना ही भाई डेविड स्टेटोन ने कुछ किया। इसके अलावा भाई विक्टोरिया मेडिना भी कुछ खास नहीं कर पाए। नीचे अगर बात करें तो भाई जेम्स बेंटले ने यहाँ पर 2 मैच में 2 विकेट निकाले। अब्दुल हकीम ने यहाँ पर भाई 1 विकेट निकाला था। अब यहाँ पर अगर बात करें सीबीसी की, ठीक है, सीबीसी की बात टेलीग्राम सॉरी ड्रीम इलेवन की डेमो टीम बनाते टाइम करेंगे। अभी हम मैं सिर्फ आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर बताता हूँ, ठीक है। गैलीलियो मार्कस, इसके अलावा जॉन राहिल और यहाँ से भाई आपके लिए इमरान, ये 5 प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा नीचे से अगर बात करें तो जॉन बेंटली को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए भाई सीबीसी की यहाँ से बात कर लेते हैं, टीम की बात कर लेते हैं। तो डेमो टीम मैं आपको यहाँ पर बना के दे रहा हूँ, लेकिन ये जो डेमो टीम है ये भाई एसएल के लिए होगी, ठीक है। जो जीएल के लिए डेमो टीम होगी ना वो भाई आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं यहां पर आपको बता दूं कि देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर भाई गैलीलियो फिनांस हमारी टीम में रहेंगे 100%। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें बैटिंग सेक्शन की तो यहाँ से भाई मोहम्मद अशरफ हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जे वुडवर्ड मैं कहेंगे आरवी को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्लेयर यहाँ पर मेरे को दिख रहा था यार कहाँ पर, खालिद अहमद जीएल मिनी जीएल के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशवार अहमद यहाँ पर, इमरान सिद्दीकी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो आर शफीक और यहाँ पर इतियाज अहमद और कादर नवाज, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, मस्ट पिक प्लेयर आपके लिए रहने वाले। यहां से अगर बात करें तो भाई आपको दिखेंगे रोहिबुल खान इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ए हकीम को आप ट्राई कर सकते हो। अब आपके पास 8.5 क्रेडिट है तो यहां पर आप ट्राई कर सकते हो ए मोहम्मद को, ठीक है। बाकी फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। सीवीसी की अगर बात करें तो यहां पर कैप्टन भाई मैं बना रहा हूं गैलीलियो फाइनेंस को। वीसी की अगर बात करें तो यहां पर भाई मैं बना रहा हूं इमरान सिद्दीकी को, मैं क्या नाम भाई इसका, इमरान सिद्दीकी को मैं अपने वीसी बना रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल टीम का एक बार प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की भाई हमारी फाइनल टीम होने वाली है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है ना तो उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।